और चलिए नैनीताल की बात करेंगे, जहां पर पुलिस डिजिटल तकनीक को लगातार बढ़ावा दे रही है। ट्रैफिक के चालान हो या अन्य चालान, ऐप और ई चालान के माध्यम से पुलिस लगातार डिजिटल को लगातार बढ़ावा दे रही है और जनवरी से मई तक 15,000 ई चालान कर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है, जिसमें डिजिटल माध्यम से ही राजस्व वसूली भी की गई है। SP ट्रैफिक जगदीश चंद्र ने बताया कि पुलिस डिजिटल माध्यम से ट्रैफिक के नियमों को लागू करने के साथ ही यातायात उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई कर रही है। इससे और भी अधिक डिजिटलाइजेशन भी हो रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नैनीताल ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो आधुनिक जो ऐप्स हैं और जो इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है चालान की कार्रवाई में, इसमें अभी तक जनवरी से मई के अंतिम तिथि तक लगभग 15,000 चालान जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में किए गए हैं, ई चालान किए गए हैं और लगभग 60 लाख रुपए की जो धनराशि संयोजन शुल्क के रूप में जमा कराई गई है राजकोष में। इसके अलावा जो उत्तराखंड पुलिस ऐप है उसमें ट्रैफिक आई ऐप है,